बाय। गाइज़ गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज़ मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि बुआ के घर में सब काम हो चुका है, तो हम सीधे शादी में आएंगे अब। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी गंगोली घाट की पूरी मार्केट। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। ओ तो मैं जा रही, बाय बुआ, बाय, मिलते हैं शादी के दिन। हाँ चूड़ी लेते हुए अपनी शादी के लिए। कौन सी ले रही है? दिखा तो चूड़ी का साइज़ दे। चूड़ी का साइज़ मिल जाएगा तो पहले ये तो दिखा। ये वाली, ये भी अच्छी लग रही है, सही है, रेड। हाँ मोटी भी है, हाँ सही है, मतलब तोड़ेगी तो सारी। हाँ अच्छी लग रही है, उसके अंदर निकाल, मैं कुछ और कर रही हूँ। टिक्का चू टिक्का, हाँ ये ले दिया मेरे लिए। सौ कौन से? कितने रुपये दर्जन है? 50। दो दर्जन ना? 3। सो गाइस मेघा डिसाइड कर रही है कि वो क्या खाएगी। मेघा नींबू पानी, रेस्टोरेंट में आके मेघा नींबू पानी पीना चाहती है। देख सकते हैं हम लोग वेट कर रहे हैं, मेघा क्या ऑर्डर करती है। मेघा ऑर्डर ये करने वाली है नींबू पानी पीने वाली है, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो गाइस हम लोग करते भी फोटोशूट, यहाँ कुछ ऐसा खुला है, देख सकते हैं पूरे ही नाम है इस रेस्टोरेंट का, अच्छा खुला है काफी। हल्द्वार क्या गंगोली हार्ट में, ऐसा कुछ नई बार, पहली बार। सो गाइस हम कर रहे हैं खाने का वेट, और अब हम बैठ जाते हैं, हमने फोटो भी क्लिक कर ली है। यह है मेरा कितनी खुशी को, खाना आ चुका है भैंस के लिए, तो नींबू पानी भी नहीं आ रही है। सुना कैसे घूर रहा है, देखना देखना खाना कर लिखो, अच्छा तो नींबू पानी लगा रही है। ये है कढ़ाई चिकन, ये है चिली चिकन। सो गाइस हम बताते हैं आपको खा के कैसा होता है करके, मेरा टेस्ट करिए। मेरे को चाहिए 2 स्पून फोक और नाइस। ओके हमने खा लिए है, मेरे सारा ठूस लिया है मतलब। सो गाइस अब हम जा रहे हैं घर को, और हम बैठ गए गाड़ी में। Thank you.
को जाने की, और हमें इतना सारा चलना है। सो गाइज ये है देवी थाना, यहाँ हम मंदिर भी है, यहाँ हम स्कूल पढ़ते थे, छोटे बच्चों का स्कूल है यहाँ, नर्सरी यूकेजी एलकेजी वालों का। और है वो नीचे दिख भी नहीं रहा, यहाँ से अभी दिखेगा, अभी दिखाते हैं हम आपको हम कहाँ जाना है हमने, वो देख सकते हैं आप, हमें उतने नीचे जाना है, जो आगे पे तीन घर दिख रहे हैं उतने दूर जाना है हमें, अभी अभी हम इतना ही चलते चले हैं। हाय गाइस आगे जाके मिलते हैं आपसे हम। फिर घर जाए फिर गजों का टेंशन दशहर से घर जाए फिर दिहाड़े कम लिए एक गिलास चाह पिला दिया वो खाने की खवा जा खाई जा रहे छो हाथ काट ली मुखले मुखेल खा ली मुखेल काट सी तो मुखेल खिलून ली डुंगा डुंगा है यार सुबह शाम बच्चे इधर से अप डाउन करते हैं यहाँ मैंने इतनी बार मुंह सर फोड़ा ऐसा इतनी बार घुंघी घुंघी रखे वो वहाँ पे जिस दिन मैंने इसके साथ धोखा दिया था रोड पे छोड़ा था चल बता दे यार इनको क्या हुआ था और मैं बचपन में बहुत जिद्दी हुआ करती थी तो इसने रोड में रखा तो मैंने भी नहीं उठाया और घर जाके कई रोई में मैंने इसका मजाक बना दिया थोड़ी गाड़ी है यार और हमारे रास्ता भी ऐसा है उसका नाम बोलते है और हमारे वहाँ रोड की कमी है हमारे वहाँ रोड ही नहीं है इतना चल के तो पता चल ही गया होगा उनको भी। सो गाइस हम आपको दिखाने वाली हूँ बिस्टोड़ा अपने यहाँ का जो हमारे रोड से सबसे फर्स्ट गांव पड़ता है वो पड़ता है बिस्टोड़ा और उसके बाद पड़ता है बिस्टोड़ा ही पड़ता है फिर पड़ती है भागलपुरी और उसके ऊपर एक गांव है उसको बोलते हैं चिल्ला और उसके बाद पड़ता है आमनली बोलते हैं तारगू पार वार ये है नौला हमारे वहाँ का और उसमें आता है ठंडा ठंडा पानी और क्या बोलते हैं जब हम स्कूल जाया करते थे तो हम यहीं से पानी भरा करते थे लेकिन ये वाला पानी पीने लायक नहीं होता है क्योंकि इसमें पता नहीं क्या होता है। तो गाइस ये है बिच्छू घास इसको इसमें हाथ लगाएंग लगा दीजिए मेरी करंट आइंग इसमें हाथ लगाएंग मेरी करंट आइंग। तो गाइस आगे मिलते हैं तब तक बाय। कैमरामैन थक चुकी है बहुत। तो गाइस ये है गंगा जी का मंदिर और ये हमारे गांव का सबसे बड़ी तो गाइस अभी भी हम घर नहीं पहुंचे हैं चलते चलते थक चुके हैं ये देख सकते हैं आमिका को बेचारी वैसे पैसे बांटते बांटते आ रही है इसके पास बहुत पैसे हैं बस कोई ना रास्ता देख ही चुके होंगे आप कितना ज़्यादा चलना है हमारे गांव में किसी को आना होगा यहाँ तो कृपया करके गाड़ी मत लेके आइएगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है बहुत सारा चलना है गुरकी रोला खाली खाली गुरकी आई थी रुड़की गुरकी ये क्यों और क्या बताया अब आपको हम अपने बारे में ऐसा ही ठहरा हमारा पाली गांव तो किसी काम के नहीं है यहाँ के लोग ना रोटी बना देते हैं और ना रास्ता ही बना देते हैं रास्ता भी इतना अच्छा हो रहा है ऐसे चलना पड़ रहा है बेचारे हम क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते। और गाइस गाँव तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ अपना आधा आधा गाँव ये है
आज आपने मैंने आपको परसों दिखा दिया था परसों वाली ब्लॉग में, और हाँ थक गई मैं। फिलहाल आगे जाके मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। सो गाइस ये छन धाना कुनूड़, लोगों ने धान काट बेरन कुनूड़ा, लेकिन ऐ चुटने रहा ध्यान धान ध्यान। और ये छुपा रहा आलू लूट लूट तो नहीं है, मतलब इकट्ठा कर रखा है। और यहाँ पे से पड़ेगा कुनूड़, अब यहाँ पे से हमारा गांव दिखेगा, मतलब आमडाली दिखेगा। हमारे गांव के नाम है आमडाली, वैसे तो पूरा नाम पाली पोखरी आमडाली है, लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे आमडाली बोलते हैं। एक गांव ये है चिल्ला, पता ही बहुत दूर पे है, भिंडी लगा रखी है लोगों ने, देख सकते हैं। और ये अमरूद के पेड़, ये कांटे, यहाँ पे से होता है हमारा गाँव स्टार्ट। वो दिख रहा होगा कुछ कुछ, नहीं भी दिख रहा है तो क्या कर सकती हूँ मैं, झीली झील हो रखी है। अभी हमें इतना और जाना है। ला ले, चलो क्या लिया, हो गया ना, जा गिरेगी तो कहीं। हाँ अभी तो मेरे को सोना है, अभी तो सोऊंगी पहले जाके। हाँ फिर बताऊँ, कोई बात नहीं, आ जा तोड़ने के लिए। तोड़ दिया तूने वो, आ जा देर हो रही है सच में, जल्दी आ देर हो रही है। बाय भैया, मिलते हैं शाम को। सो गाइस ब्लॉग की एंडिंग में यहीं पे करते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।